हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं पटना के अंटा घाट से, पटना के गाय घाट तक का आपको छठ पूजा की किस तरह से कितना तैयारी हो चुका है, नहीं हुआ है वो दिखाने के लिए। तैयारी वैसा नहीं हुआ है क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार भी नहीं आया है। तो फिलहाल दिवाली का त्यौहार आएगा और उसके एक दो दिन बाद है ना फाइनल आपको समझ में आएगा कि कुछ तैयारी हो रही कि नहीं। तो उससे पहले लोगों को होता है कि भाई किस तरह से क्या घाटों की स्थिति है वो देखा जाए, वाटर लेवल खासकर, तो वो मैं दिखाने के लिए आ चुका हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है कलेक्ट्रेट घाट, आगे की ओर दिखाते हैं, आगे है अंटा घाट। तो दोस्तों आज जो है धीरे धीरे करके पटना के जितने भी घाट हैं ना छठ से पहले कि क्या तैयारी है, उसके बाद दिवाली के बाद जो भी तैयारी होगी उसको भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट घाट के तरफ से और यहीं पे हम चल रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं ज़्यादा ज़्यादा घाटों तक। कोशिश यही रहेगी कि भद्र घाट तक दिखाए और अगला वीडियो भद्र घाट से फिर आगे की ओर जितना भी घाट है ना दीदारगंज उस सारे को दिखाए। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं अंटा घाट। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये है अंटा घाट का। तो इस तरह से कुछ सीन है अंटा घाट का। अब पानी इस तरह से सूखी पड़ी है, आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ से जो है अंटा घाट का रैंप धीरे धीरे डाउन होता है, जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जब पानी काफ़ी भर चुका था। तो देख सकते हैं छठ से पहले का नज़ारा। तो आज है 8 नवंबर। तो ये है अंटा घाट का लास्ट छोर जो कि आप देख पा रहे हैं और इस तरह से है स्थिति। इसके नीचे देख सकते हैं अभी सूखा पड़ा हुआ है। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं जल्दी से। ये है महेंद्रू घाट का सीन जो कि आपको हम दिखा पा रहे हैं। चलिए इसके पास में दिखाते हैं इसका क्या हाल है अभी। पिलर की उस साइड हम दिखा रहे हैं, बहुत सारी जमीन दिख रही होगी, उस साइड का भी नज़ारा कुछ दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं जेपी सेतु से जो रैंप है ना उतरा है, जो आप देख पा रहे हैं यही है पीएमसीएच के लिए रास्ता दिया गया जो कि पीएमसीएच में कनेक्ट होता है। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है पीएमसीएच का जो कि नया बन रहा है। तो हम पिछले घाटों से होते हुए अब आगे आ चुके हैं पीएमसीएच के तरफ। और ये कौन सा घाट है चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये अदालत घाट है, तो आप देख के समझ ही चुके होंगे जो इस तरह से बनाया हुआ है, और नहीं तो देख सकते यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस घाट का कुछ इस तरह से सीन है, सब जगह अलग अलग तरह के स्तंभ बनाए हुए हैं ताकि देखने में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। इस तरह से कुछ है और देख सकते हैं ये हो गया आपको अदालत घाट जिसका हम सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से है ना अभी पानी सूखा हुआ है और ये हो गया जेपी गंगा पथ। और जब अभी छठ के टाइम में है ना जैसे ही नज़दीक आएगा तो उस टाइम भी दिखाएंगे, तो उस टाइम भी पानी है ना लबालब भर जाएगा जितना ज़रूरत है उस हिसाब से। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं। तो ये है अदालत घाट, उधर से इधर आया। तो ये एक रैंप है जो कि जेपी गंगा पाथवे है ना उससे कनेक्ट है और ये जाता है आपको सीधा पीएमसीएच। और यहाँ पर है ये पीएमसीएच, देख सकते हैं इस तरह से बन रहा है। तो चलिए अब हम आगे का घाट का दिखाएंगे। तो मेरे पीछे जो पीएमसीएच है हम उसका दिखा ही चुके हैं और ये मैं आ चुका हूँ मिश्री घाट के पास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैठने वाला बनाया गया है और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है जो कि हर एक घाट पे कुछ अलग अलग तरह का पैटर्न का बनाया गया है ताकि उसकी पहचान रहे और खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का घाट है, मुझे तो लग रहा है कि मिश्री घाट के बाद आपको बंसी घाट मिलना चाहिए। कुछ इस तरह के है मिश्री घाट के पास में, देख सकते हैं पानी का लेवल इतना है और वहाँ पर देख सकते हैं काम लगा हुआ है। तो कृष्णा घाट पर जो रैंप बनना है ना उसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो उसी के लिए है ना ये उधर से मशीन वगैरह आ रही हैं। तो कुछ मौसम इस तरह से है कि कभी बादल आ रहा है कभी बादल जा रहा है
और हम जो है चले जा रहे हैं, जितने भी घाट बने हुए हैं छठ पूजा के आने से पहले उस सब का मुआयना करते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। और जब छठ नज़दीक आएगा ना, तो दिवाली के 1 से 2 दिन बाद मैं फिर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सफाई हो रहा है और अभी का जो स्थिति है 8 नवंबर का, तो अब का और दिवाली के बाद यानी छठ के नज़दीक तो कैसा स्थिति है और क्या तैयारी हो रही है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं ये है TN बनर्जी घाट, पीछे आपको दिखा चुके हैं जो कि था मिश्री घाट, और इसके आगे चलते हैं तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है TN बनर्जी घाट का। अब हम बंसी घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां का सीन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं जबकि गंगा पाथवे है और इस तरह से यहां पर है। तो दोस्तों किस तरह से क्या स्थिति हम दिखाते जा रहे हैं, पटना के जितने भी घाट हैं लाल चलते चलते तो काफ़ी थक चुका हूं, मतलब इतना पैदल एकाएक चलने पर है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये है पटना कॉलेज घाट, इसे कदम घाट के भी नाम से जानते हैं, मतलब दोनों चीज़ कहते हैं। अब चलिए आगे कौन सा घाट मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यह है कृष्णा घाट का रैंप जो कि गोलंबर बनने वाला है और जो कि आपको अशोक राजपथ में इसका जो है कनेक्टिविटी आपको मिलने वाला है। तो ये था कृष्णा घाट का, फिलहाल चलते हैं और आगे का घाट का नज़ारा देखते हैं। तो इस तरह से कुछ सीन है देख सकते हैं, और ये घाट पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं। तो ये हो गया गांधी घाट। घाट के तरफ से दिखाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कौन सा घाट मिलता है। बहड़वा घाट। तो गांधी घाट से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं बहड़वा घाट। अब इसके आगे कौन सा घाट है उसको भी दिखाते हैं, इससे पहले यहाँ का व्यू दिखा देते हैं आपको। तो वहाँ पे लिखा हुआ है बहड़वा और यहाँ पे लिखा है बड़हड़वा। सही में ये कौन सा घाट है, मतलब इसका दोनों में से कौन सा नाम होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जस्ट इससे सामने ही जो खंभा है उसके आगे है आपको है बड़हड़वा और यहाँ पर है गोलखपुर बालू घाट। आगे कौन सा घाट है चलिए उसको भी दिखाते, उससे पहले यहाँ का कुछ सीन दिखा देते हैं आपको। आप सीन देख पा रहे हैं ये पूरा रानी घाट है और यहाँ पे बाबा भूतेश्वर नाथ जी का मंदिर है। देखिए वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है आगे, क्यों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। ये है गुलवी घाट देख सकते हैं, तो नीचे की ओर वो स्लोप है और यहाँ पे इस तरह से आगे की ओर और ऊँचा होते जाएगा। चलिए यहाँ का दिखा देते हैं। ये पूरा गुलवी घाट का सीन है, यहाँ पे दाह संस्कार वाले काम है, उस टाइप के काम यहाँ पे अधिकतर होते हैं। ये है घाघा घाट और यहाँ पे कुछ इस तरीके के हैं सीन। तो सारे जगह है ना लगभग सफाई का काम लग चुका है देख सकते हैं,
वर्कर वगैरह लगे हुए हैं सफाई वफाई करने के लिए, मिट्टी का कटाव सीढ़ी जो भी है सब बनाने के लिए। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ का, उधर की तरफ से घूमते हुए इधर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे रोशन घाट के पास ही। तो रोशन घाट का देख सकते हैं इस तरह से कुछ वाटर लेवल है। तो मैं रोशन घाट की तरफ से आ चुका हूँ और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कौन सा घाट है चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये है चौधरी टोला घाट जहाँ के इस तरह से कुछ वर्क हो रहा है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पथरी घाट और पथरी घाट का कुछ इस तरह है जो बारगेडिंग किया हुआ है। और इसके आगे चल के हम दिखाते हैं कि कौन सा घाट है और जस्ट इसी रास्ते से हम आगे की ओर जाएंगे ना तो इसे घूमेंगे ना तो हमको मिल जाएगा कदम घाट। तो इस घाट पे इस तरह से है जो कि तैयारी हो रही है छठ के लिए। देख सकते हैं इसके नीचे नीचे जो है देख सकते जो बेस बना हुआ है इसके ऊपर से ताकि वाटर लेवल आ जाए तब भी लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से यह बनाया हुआ है जो कि बाढ़ वगैरह आता है पानी भर जाता है वाटर लेवल तो ये भी डूब जाता है। घाट की कुछ सफाई काफ़ी हो चुकी है और जो भी कुछ बचा है और भी होना है। और आगे में आपको दिख रहा होगा गाय घाट वाला आपको गांधी सेतु। तो ये है लोहड़वा घाट और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ है छठ से पहले का हाल। ये है हनुमान घाट। तो इसके आगे भी दिखाते रहेंगे। तो आगे है गाय घाट का पुल। तो हनुमान घाट से यहाँ पे आगे की ओर इस तरह से है और यहाँ पर खड़े हैं ये है राजा घाट चलिए दिखाते हैं। राजा घाट है हम इसको सीन दिखा ही दिए और हम यहाँ नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिट्टी वगैरह है जहाँ तहाँ। तो यहाँ पे है ना कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना काफ़ी ज़ोरों शोरों पर था जब पानी नहीं था क्योंकि आगे है देख सकते हैं महात्मा गांधी सेतु। मतलब यहाँ पे जो गाय घाट है आगे में तो उसी के लिए काम के लिए आवाजाही करने का है ना यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी का कटाव वगैरह यहाँ पर है। तो फिलहाल तो पता नहीं ठीक हो पाया कि नहीं था जो भी था हम आपको दिखाने की कोशिश कर दिए। राजा घाट की दुकान वहाँ बोर्ड लगा हुआ है आगे में गाय घाट की तरफ में और ये है गोसाई घाट का बोर्ड लगा हुआ है और आगे है पथरी घाट वगैरह। तो इसी तरीके से बीच में बहुत सारे घाट है। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।